इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से जूडा लगातार हड़ताल पर है और जूनियर डॉक्टर पर जो दायर अवमानना याचिका है उस पर आज हाई कोर्ट पर में सुनवाई होगी। बड़ी खबर जबलपुर से हम बता रहे हैं, जूडा जिस तरह से लगातार हड़ताल पर है, हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जूनियर डॉक्टर पर जो दायर अवमानना की याचिका है उस पर आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर नहीं लौटे हैं जो जूनियर डॉक्टर हैं। सेंट्रल मेडिकल टीचर्स की भी हुई बैठक, मेडिकल टीचर्स ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। तो बड़ी खबर जबलपुर से, आज अवमानना की जो याचिका है उस पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जूनियर डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बने हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कल उच्च शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उच्च स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और लेकिन जो बैठक उनके साथ में हुई, जो बातचीत हुई, बेनतीजा ही रही। लगातार जूडा की हड़ताल पर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की है, सख्त बात हाई कोर्ट ने कही है, लेकिन अभी भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल से वापस आते नहीं दिख रहे हैं। और एक जो अवमानना याचिका हाई कोर्ट में लगी है इस हड़ताल को लेकर, उसकी आज सुनवाई जबलपुर हाई कोर्ट में होगी। मेडिकल टीचर्स ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, सेंट्रल मेडिकल टीचर्स की भी हुई बैठक। तो जूडा लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, सरकार का रुख भी सख्त नजर आ रहा है। बात जूडा की टाइमिंग को लेकर हो रही है कि जिस समय उन्होंने हड़ताल की है वो समय ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना का कहर सभी ने देखा है। जैसे तैसे कोरोना काफ़ी हद तक काबू में आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तीसरी लहर का भी खतरा है। ऐसे में जब तक कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह की ढिलाई, तब तक किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो भारी पड़ सकती है। और यही कारण है कि कोर्ट ने जूडा की इस हड़ताल को काफ़ी गंभीर माना है कि आप ऐसे समय इस तरह से हड़ताल कर रहे हैं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत लोगों को आपकी है, उनकी ज़िंदगी अहम है आपकी मांगों, आपकी हड़ताल से। और यही कारण है कि हाई कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए, सरकार का भी सख्त रुख नज़र आ रहा है। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता देवजीत देव सीधे लाइव हमसे जुड़ रहे हैं। देवजीत, जिस तरह से देखा जाए कि जूडा लगातार हड़ताल पर है, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, सरकार भी सख्त नजर आ रही है, कल भी भोपाल में बैठक हुई थी जूडा के प्रतिनिधियों की, बेनतीजा रही, एक याचिका अवमानना की लगी हाई कोर्ट पर, उस पर आज सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? निश्चित राजेश जी, आप निश्चित पहले भी हाई कोर्ट में जो है याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो जूडा डॉक्टर है उनको ड्यूटी ज्वाइन करने की जो है बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है उनका जो है आंदोलन जारी है और लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। हाई कोर्ट में जो है आज फिर से एक याचिका दायर किया गया है, जहाँ हो सकता है संभावत किया गया है आज जो है जूडा के लिए एक फैसला फिर हाई कोर्ट जो है जारी कर सकता है। फिलहाल आपको बता दूं, लगातार जूडा जो है अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार लिखित में जो है उनको आदेश दे दे या लिखित में उनको आदेश दिखा दे तो ये इनका जो आंदोलन है वो जो है खत्म करने की बात जूडा ने कहा। फिलहाल जबलपुर में लगातार आप देख रहे थे कि इस तरीके से जूडा डॉक्टर जो है काम बंद करके हड़ताल पर अभी भी बैठे हुए हैं, और फिलहाल स्थिति जो है फिलहाल बिगड़ती जबलपुर के दिख रही, क्योंकि जबलपुर राजधानी जबलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ के आजू बाजू से भी लोग जो है जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में आकर भर्ती होते हैं। कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी भयानक हो सकती है जबलपुर की, अगर ऐसे ही लगातार इनका जूडा डॉक्टर जो है, उनके साथ साथ अब जो है सीनियर डॉक्टर भी मेडिकल में हड़ताल
हड़ताल पर है और आज जो है काली पट्टी बांधकर जो है नर्सिंग जो टीचर्स हैं वो भी वो वहां पर काम करेंगे, ऐसा जो है कहा गया था। फिलहाल आज जो है हाईकोर्ट एक अहम जो है सुनवाई आज जबलपुर में हो सकती है, जूडा के जो है उसमें फिर से एक जो है आदेश हाईकोर्ट जारी कर सकता है। राजेश जी, देवजीत, एक जिस तरह से सेंट्रल मेडिकल जो टीचर्स हैं वो भी इनके समर्थन में आए हैं, इसको लेकर क्या जूडा के साथ ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं ये भी जूडा के साथ जुड़ गए हैं। निश्चित ये टीचर्स जो है अब जूडा के साथ आ गए हैं और उनके समर्थन में दिख रहा है, पूरा जो गेंद है अब कहीं ना कहीं पूरा जो मैच है वो जूडा के ही समर्थन में दिख रहा है, क्योंकि पहले सीनियर डॉक्टर और अब जो है नर्सिंग के जो तमाम जो स्टाफ वो भी जो है जूडा के साथ साथ जो है उनके सामने आ गए हैं। फिलहाल मैं आपको बात करूं कि जिस तरीके से समर्थन जो है लगातार जो है दिख रही है, लगातार दी जा रही है, फिलहाल जो है मैं आपको बता दूं कि एक अहम फैसला जो है वो आज जो है हाईकोर्ट भी यहां पर सुनवाई के दौरान दे सकता है। जी देवजीत, एक सवाल और यहां पर बनता है, जिस तरह से लगातार जूडा हड़ताल पर है, तमाम सारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई हैं, चाहे हम बात कर लें जबलपुर की, चाहे बात करें हम भोपाल की, पूरे प्रदेश में जिस तरह से जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल के बाद कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हुई है, जबलपुर में इनकी हड़ताल, जूडा की हड़ताल की वजह से क्या कुछ मरीजों में परेशानी देखी जा रही है, किस तरह से उनके परिजनों में परेशानी देखी जा रही है, और आखिर प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर रहा है कि अगर जूडा हड़ताल पर है तो कैसे लोगों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिलती रहे। राजेश जी, बिल्कुल आपको बता दूं जिस तरीके से मैंने कहा कि जबलपुर का जो मेडिकल अस्पताल है और वहां से दूर दूर से, मतलब जबलपुर के जो अलग जिले हैं छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सतना, कटनी, तमाम सभी जिलों से जबलपुर के मेडिकल में ही जो है मरीज यहां पर आते हैं। फिलहाल काफी भयानक जो स्थिति थी कोरोना की, सेकेंड वेव था, उसमें भी जो है देखा गया था कि आजू बाजू से लोग आए थे और आज भी जो है जबलपुर के मेडिकल अस्पताल जो कि बड़ा अस्पताल है जबलपुर का, वहां जो है दूर दूर से जो मरीज है वो यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने जब बात की थी परिजनों से बात की, तो परिजन का ये कहना था कि जल्द से जल्द जूडा जो है अपने ही काम पर वापस लौट जाए, और कहीं ना कहीं एक चीज और जो है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर काफी तकलीफ भी उन मरीजों को हो रही है जो यहाँ जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि जूडा जो है अभी भी अपनी मांगों पर आया है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति जो है भयानक जो है दिख रही है। देवजीत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जबलपुर से संवाददाता देवजीत देव हमसे जुड़े हुए थे। जूडा जिस तरह से हड़ताल पर है और एक अवमानना याचिका हाईकोर्ट में लगी है, उस पर आज सुनवाई होना है। सेंट्रल मेडिकल टीचर्स का साथ भी अब जूडा को मिल गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से कोरोना की जो जंग है अभी हम जीत भी नहीं पाए थे, और फिर इस तरह की ये हड़ताल, और ऐसे लोगों की हड़ताल जिसका सीधा संबंध मरीजों से है, कोरोना से लड़ाई से है, लेकिन देखना होगा कि जूडा कब हड़ताल ये इसी तरह जारी रखता है या फिर हड़ताल ख़त्म करता है। चूँकि हाईकोर्ट लगातार सख्त संज्ञान लेने की बात कर रहा है, मानक की याचिका भी लगी है, सरकार भी इसको काफ़ी गंभीर मान रही है, देखना होगा कि जूडा का आगे ये आंदोलन किस रूप में दिखता है।